गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 7 जून को हमारे मंदिर में पूजा है। पूजा से पहले हमें गंगा स्नान के लिए जाना पड़ता है, तो हमने एक गाड़ी हायर करी। ये गाड़ी है, उस गाड़ी को लेके इस जगह का नाम घाट है। यहाँ से देखिए हमारा ट्रिप सा आगे आगे जा रहा है। ये यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर नदी है, नदी में हम स्नान करेंगे। तो दूर से आपको नदी बहुत छोटी दिख रही होगी, लेकिन बहुत ही बहाव है। यहाँ पर संगम है और एक सरयू है और दूसरी गंगा नदी, दोनों का संगम है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बहाव है नदी में। दूर से तो लग रहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें स्नान भी करना है। वैसे मुझे पानी से बहुत डर भी लगता है। और जो ये मंदिर है शिवालय, शिवालय पे हम लोग पूजा करेंगे स्नान के बाद। देखिए झूला ब्रिज बने हुए हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ गंगा स्नान को, काफ़ी ट्रिप सा आता है। हमारे क्षेत्र का नज़दीकी जो पवित्र गंगा स्थल है, घाट, घाट के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमारा जो रूट हो गया, रूट सिलेक्शन रॉन्ग हो गया, तो अभी हम जाएंगे, ये आगे झूला ब्रिज है, झूला ब्रिज होते हुए वहाँ पार जाएंगे, क्योंकि संगम तो वहीं पे, नदी क्रॉस करने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही, काफ़ी बहाव है। तो दोस्तों हम पहुँच गए अपने झूला पुल के पास। देखिए जो झूला पुल होता है कैसे टिका रहता है, मोटी मोटी लोहे की तारें दो साइड से, और ये इसका गेट। इसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूँगा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, हिलता भी है, चलते समय हिल भी रहा है। और ये बहुत बड़ी नदी है, पुल हिल भी रहा है, मुझे डर भी लग रही है, लेकिन मुझे पार जाना ही है। तो नदी का किनारा बहुत ही खूबसूरत, पहाड़ में लगातार बारिश हुई है, इस वजह से पानी इसका ब्राउन कलर का। देखिए मैं अपने ट्रिप्स को लीड कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग चलने में कुछ असमर्थता सा दिखा रहे थे, बोल रहे थे वहीं पे नहा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा भाई वहाँ पर आप नहीं नहा पाएंगे, नदी है, बहाव तेज है, इसलिए आप लोग आइए। ये बरगद का वृक्ष, घाटी वाला इलाका है, तो यहाँ पर ना बरगद वगैरह, बरगद हो गया और बेलपत्री हो गया, ये सब यहीं पर होता है। पूजा के लिए हम लोग यहीं से बेलपत्री और बरगद ले जाते हैं। ये चूरे का विशाल वृक्ष है। तो जो मेरा इलाका है वो ठंडा इलाका है, वहाँ पे ना ये है आपका, ये बरगद और बेलपत्र नहीं होता है। आप कितनी कोशिश करें, मैंने भी काफ़ी कोशिश करी थी बचपन में जब मैं लगाता था, जिस चूरे का मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी आपको बताया था। देखिए इसकी गुठलियाँ हैं, इसके फल हैं, फल गुठलियाँ, ये बंदरों ने या आदमियों ने खा के फेंक रखी हैं। इन गुठलियों को बीन करके, सुखा करके फिर इनसे घी निकलता है, देख रहे हैं आप, फल है ये बहुत ही अच्छा फल है, मैं खा के देखूंगा एक, बहुत बढ़िया होता है, मीठा। क्यों नहीं खाती हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़े ही उबर खबर रास्ता पार करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ये मंदिर, और यहाँ पे ये शमशान भूमि भी है, शमशान देख सकते हैं आप। और एक ब्रिज इस साइड है, दूसरा यहाँ पर ये लोग व्रत बंद वगैरह करने आए हैं अपने बच्चों का, कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। दोस्तों ये है रामगंगा, जो चंडीगढ़ घाट से होते हुए पिथौरागढ़ वाले एंट्रेंस से निकलती है, और दूसरा मंदिर के इस तरफ जो अल्मोड़ा साइड से आती है, बागेश्वर से आती है सरयू, इन दोनों का यहाँ पर संगम है। ये मेरे भाई लोग आ गए हैं, अब हम स्नान करेंगे। तो थैंक यू।